इस चीज़ को खुद सीतारमन जी को भी रखा जाएगा दिखाने के लिए, तो इसलिए पूरे रात में ये लोग इवेंट मैनेजमेंट के आदमी हैं, ये लोग काम करते रहेंगे और आपको एक जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश ज़बरदस्त औसम वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सेकेंड वीडियो है आज रात का, एक वीडियो में मैंने पूरा कवर नहीं कर पाया पूरा स्टेज प्रोग्राम, तो ये आप जितना भी फ्रंट का है, जितना भी कार्यक्रम किया जा रहा है, तैयारी किया जा रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। स्वागत है आपके अपने चैनल औसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश, चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। और जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए चिंता मत करें, आपको सारा अपडेट्स मिलेगा, बस चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं जो भाई यहाँ पे अपडेट मिलने वाला है। और मैं कल जो है लगातार कल भी यहाँ से आपको कवरेज देने की कोशिश करूँगा, सारा चीज़ बताऊँगा, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये चैनल है और यहाँ पर कुछ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के इको सिस्टम को बनाने के लिए ये कार्यक्रम है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा जो इसका इफ़ेक्ट जो है प्रभाव बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपको मैं दिखाऊँगा यहाँ पे पूरा स्टेज में जितने भी आप मंच पे कार्यकर्ता देख रहे हैं, मोस्टली बैंकर्स वाले हैं जिनकी अपनी प्रदर्शनी लगेगी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं उनसे ये संबंधित है, ये उनके लिए ये काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं जो नेता जितने हैं, जो लोकल हैं बड़े नेता, वो तो आएंगे ही, साथ ही जो यहाँ जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के आदमी हैं, जो बैंक से हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड का मतलब यहाँ ये हुआ पैसे का जहाँ पे बात है इंस्टीट्यूशन से, बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तित्व यहाँ पे कल ज़रूर मिलेगा, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदमी हो, चाहे DDC जो सरकारी महकमा है वो तो पूरा उतरेगा ही, बहुत ही जो है सिक्योरिटी पर्पज़ से ये भी हाईफाई होने वाला है, चूँकि आपको पता है जो Z+ सुरक्षा वित्त मंत्री जी को भी प्रदान किया जाता है। ये देख लीजिए, थोड़ा मैं फ्रंट से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से तैयारी हो रहा है यहाँ पे। ये देख लीजिए चारों तरफ जो है तंबू वंबू गाड़ा है, वहाँ पे खाने पीने के लिए चीज़ें हैं, व्यवस्था की गई है, बहुत से ऐसे मेंबर्स आएंगे जो आपको पता भी नहीं होगा। एक महीने में आपको मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ जो यहाँ पे पढ़े लिखों के लोगों की कल कमी नहीं रहने वाली है, ख़ास करके फाइनेंस डिपार्टमेंट से, चूँकि पैसों का लेन देन होने वाला है कल, और इसमें आप लोगों ही द्वारा कई बार ये मुद्दा उठाते हो रोज़गार कहाँ है, तो डायरेक्ट रोज़गार नहीं, रोज़गार क्रिएट करने के लिए ज़रूर प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसे वैसे बांटे जाएंगे उसे रोज़गार में ही लगाएंगे सारे उद्यमी, तो उद्यमिता योजना के तहत ये क्रेडिट आउट रिच कार्यक्रम जिसके अंतर्गत आप इस जो मैं आपको ये अभी जो फ़ोटो देखोगे उसमें देख सकते हो कितने बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको मैंने पहले बताया जो केवल सरकारी नहीं प्राइवेट बैंक भी इसमें शामिल किया गया है, ये देख लीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उज्जीवन, ICICI बैंक, जाना, SDFC बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक का नाम आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो एक एक करके, ये थोड़ा सा पॉज करके भी देख लेना आप लोग। इसके साथ ही मैं आपको बैकग्राउंड में एक प्रदर्शनी लगाया जा रहा है, तो प्रदर्शनी पूरी तरह नहीं लगाया गया है अभी, वो आपको मैं एक बार चल के दिखाता हूँ। यहाँ पूरा तरह से लगने से पहले कल वित्त मंत्री जी आएंगी तो वो प्रदर्शनी को उनको भी दिखाया जाएगा, तो उनसे पहले हम आपको दिखा देते हैं वो प्रदर्शनी कहाँ क्या लगने वाला है। साथ में बता दूँ, ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे जो है श्यामामय मंदिर में प्रांगण में महानवाह किया जा रहा है, तो हो सकता है उसके लिए और भी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट किया जाए, भारी भीड़ उमड़ रही है वहाँ पे, तो वो कभी और मैं अपडेट दूंगा। ये देख लीजिए
ये देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा प्रदर्शनी को अभी जो है ना इसको लगाया जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो पूरा फिनिश नहीं किया गया है। कल आप जब आएंगे तो आप देख पाएंगे। ये देख लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सेंट वार्ड्स जूट बैग्स एंड मैट मेकिंग, ये सारे लघु उद्योग हैं। फिंडी पे ऐसे करके है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कई तरह के जो है ना स्टार्टअप्स, नए नए उपक्रम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका स्टॉल बैंक सखी अभी लगाया ही जा रहा है ये सारा चीज़। मिथिला पेंटिंग वर्क्स जिसको अभी ये फाइनेंस कल आपको मिल सकता है, मखाना स्वाद मिथिला का, ये देख लीजिए, इसके लिए भी कल फाइनेंसिंग जो है इन लोग को मिल चुका है या इनका अप्रूव हो चुका है, कल इन लोग को ही बांटा जाएगा। ये देख लीजिए, जीविका गरीबी विकास है तो बिहार सरकार की पहल, दौरी अचार तिलौरी, मतलब ये कैसे बनाए, रोज़गार कैसे बढ़ाया जाए लघु उद्योग में ऋण बांटकर, ये सारे ऐसे ही जो है यहाँ पे प्रदर्शनी लगाने की कोशिश किया जा रहा है। और महासिद्धि बायो फर्टिलाइज़र, मतलब छोटे छोटे उपक्रम हैं, और आपको मैं दिखाऊंगा भी जो ये सब उपक्रम लगाने के लिए ये कौन से जगह पे होगा। एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, बनाऊंगा, मैंने शूट किया था कुछ दिन पहले ही, वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए, सौराथ एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, कैनरा बैंक ने इसको अप्रूवल दी है ऋण के लिए। ये देख लीजिए, वी प्रोड्यूस नूडल्स एंड मसाला उद्योग, तो आप लोगों में से जो ये देख लीजिए, पाकी हर माँ का भरोसा, मतलब पैडमैन, आप मूवी भी देख चुके हो इस चीज़ से रिलेटेड, उसी को अब नेक्स्ट स्केल पे बहुत ज़रूरी है। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा, पाखी गीलेपन, पंजाब नेशनल बैंक मुफ्त सैनिटरी पैड का वितरण, ये ग्रामीण महिला वाला है, और ये सब जो खाली स्टॉल हैं यहाँ पे धीरे धीरे पूरे रात में इसको लगा लिया जाएगा। ये देख लीजिए, हैप्पी ट्रेड्स, ऐसे करके जो है बहुत सारे प्रो यहाँ पे लगाने जाएंगे। ओ वाओ, ये देख लीजिए, यहाँ पे अभी केवल वहाँ दिया गया है, केवल लगाया गया है, नाम नहीं दिया गया है कौन सी क्या चीज़ है। ये कैटल से रिलेटेड है, मवेशी से कुछ, बकरी पालन ऐसे करके कुछ यहाँ पे ज़रूर लगाया जाएगा, जिसको फाइनेंस किया गया है, अभी लगाया जा रहा है। तो ये कुछ उद्यम हैं जिसके लिए यहाँ पे अभी जो है प्रदर्शनी लगाने की अभी व्यवस्था की जाएगी। पूरे रात ये लोग काम करेंगे इस इवेंट को जो है ना बनाने के लिए। मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ को खुद सीतारमन जी को भी रखा जाएगा दिखाने के लिए, तो इसलिए पूरे रात में ये लोग इवेंट मैनेजमेंट के आदमी हैं, ये लोग काम करते रहेंगे और आपको एक बेहतरीन जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ देगा। तो मैं समरी में बता दूं, जो ये प्रोग्राम को आप मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको पैसे वितरण होगा और बहुत सारे रोज़गार मिलेंगे, जिसके लिए आप लोग हमेशा से सरकार को कोसते हो, तो ये एक बेहतरीन मौका है रोज़गार के लिए। यहाँ रोज़गार देने के साथ साथ रोज़गार क्रिएट करने की व्यवस्था की गई है, एक इकोसिस्टम जनरेट किया जाएगा, उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। कुछ भी और इसके अलावा भी कुछ अपडेट होगा, मैं आपको लगातार एक दो दिन तक आपको अपडेट करता रहूँगा दूसरे प्रोजेक्ट का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के साथ साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।